खबर की ओर, अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा ने भी पलटवार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह का काम है आना, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी। हरियाणा सरकार को हर मोर्चे पर भूपेंद्र हुड्डा ने विफल बताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे पर रहे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर के भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनका काम है आना, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी इस बार। आज गृहमंत्री अमित शाह भी हरियाणा में मौजूद है, किसी सम्मान सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सामने चुनाव है, कितना असर पड़ेगा इन तमाम चीजों का चुनाव? चलो तो उनका काम है, उनका काम है, लेकिन असर की तो बात जो मैंने बताई है। हरियाणा के लोगों ने तो फैसला कर लिया, छत्तीसगढ़ ने फैसला कर चुके हैं। जो लोकसभा के चुनाव संकेत आया है कि आने वाला जो चुनाव होगा हरियाणा में, लोग छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ये मैसेज जा रहा है सर कि जो गृह मंत्री है उन्होंने कमान खुद हाथों में ले ली है, इससे पहले भी सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात की हमारी आपने। हमारी पार्टी का हमारे काम है, हम अपने आदमी जो भी हमारे देखेंगे उनकी पार्टी का वो करेंगे। आज सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई? तीरथ के भी हमारी नेता है, हर विषय पर बात हुई। राज्यों के मुद्दे पर ब्रीफ किया गया, राजनीतिक भी, वैसे भी जो लोकसभा नतीजा है वो भी, इस प्रकार से कांग्रेस में डबल सीट हुई वो भी, आगे किस तरह से बढ़ा जाए, सारी बातें। सर पिछले दिनों जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश से कई घटनाएं सामने आई, उसके बाद एक इनकाउंटर की सूचना भी आई, मुख्यमंत्री का कहना है कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो सख्त से सख्त स्टेप ले रहे हैं और अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है, आपका क्या? रोज एक मर्डर होता है, लोगों ने असुरक्षित प्रदेश हो गया, कोई भी प्रदेश में असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। ये विफल सरकार है,